द ड्रीम, जॉन डन की ये नज़म जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, ड्रीम एक ख्वाब। और इस ख्वाब में क्या होता है? इस ख्वाब में पोइट को अपनी महबूबा, अपनी बिलव्ड आकर मिलती है, और ऐसे आकर मिलती है जैसे सचमुच इसकी बिलव्ड इसके सामने हो, और सामने आकर इसको जगा देती है, और उसे ये जो जॉन डन है अपनी महबूबा को, अपनी बिलव्ड को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि शायद हो सकता है कि इसने मेरे दिल की, इसने एक पोइट की जो आवाज़ है ना, दिल की आवाज़, या इसकी मेंटल हालत जो है ना, मेरी महबूबा को, मेरी बिलव्ड को पता चल गया होगा, और शायद यही वजह है कि मेरी बिलव्ड जो है वो यहाँ पर मुझसे मिलने आई है। पोइट आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने ख्वाब में देखा हो, मैंने ड्रीम में देखा हो कि मैं अपनी बिलव्ड को ना अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, और इसीलिए अब क्योंकि ये मेरे सामने है तो मैं ये डिज़ायर करता हूँ कि मैं अपनी बिलव्ड को अपनी बाहों में ले लूँ और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूँ। इस ख्वाब को ना हकीकत में बदलने के लिए अब पोइट क्या कहता है? कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये जो बिलव्ड है ना मेरा, ये किसी फरिश्ते की तरह, किसी एंजल की तरह, क्योंकि वो हकीकत, सारी चीज़ें हकीकत में लग रही हैं, रियलिटी में लग रही हैं। वो ऐसा समझ रहा था कि जैसे ये जो बिलव्ड है ना, ये सामने आ गया, और वो बिलव्ड को ना एक एंजल समझ रहा है, और लेकिन फिर खुद ही अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि फरिश्तों में ऐसी क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई जो इसमें है। वो ये भी कहता है कि इसकी महबूब के पास ना, इसके जो महबूब है इसके पास एक टॉर्च की तरह रोशनी है, क्योंकि हर तरफ से रोशनी हो गई है। और जब ये गई ना यहाँ से, पोइट कहता है, जब जिस रूम में है वो पोइट कहता है कि जब ये गई, मेरी बिलव्ड यहाँ से गई, तो हर तरफ से डार्कनेस छा गई है, लेकिन हाँ, इसके दोबारा आने की ना उम्मीद है मुझे, और एक सुहाना ख्वाब का काम दे रही है ये चीज़, ये जो उम्मीद है ना, एक अच्छा सा ड्रीम मुझे दोबारा से देकर चली गई है कि मेरी बिलव्ड ने दोबारा आना है। तो उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अगर आपको इस पोएम की ट्रांसलेशन चाहिए स्टैंजा वाइज, तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं आपको ट्रांसलेट कर दूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।